विवेक सर बीईएल पे क्या राय है? किस पर सर? बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जा सकती है, बहुत निचले लेवल पे मिल रहा है काफी डिस्काउंट पे। सर ये थोड़ा काउंटर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू इट्स फंडामेंटल। फंडामेंटल्स आर गुड बट द काउंटर डज नॉट वर्क इन द लाइन ऑफ द फंडामेंटल्स, तो ये थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम है। देखिए अगर किसी भी एनालिस्ट से पूछेंगे क्या बनाती है, किस कारोबार में है, जबरदस्त इसके डिफेंस में बिजनेस है, प्रॉफिट ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन काउंटर उतना परफॉर्म नहीं कर रहा। So, that's a problem with this counter. मुझे लगता है कि इसको टेक्निकली ही प्ले करें, फंडामेंटल होते हुए भी नहीं चल रहा और बड़े लंबे समय तक उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर यही एक प्राइवेट कंपनी होती तो कम से कम 500-600 रुपए का शेयर हो जाना चाहिए था। जो कंपनी 600 करोड़ रुपए क्वार्टरली प्रॉफिट कमा रही हो और एक ऐसे सेगमेंट में हो जहाँ पर कि आज की स्थिति में तो आप डिमांड कम नहीं बोल सकते कि इक्विपमेंट बनाती है, एरोस्पेस में है, डिफेंस में है और वहां पर इक्विपमेंट बना रही है जहां पर हमें नहीं लगता कि अगले 2-3 साल भी डिमांड कम होने वाली है, ऑर्डर्स कम होने वाले हैं, तो ऐसे में ये कंपनी का नीचे आना कभी ठीक नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप टेक्निकली अगर ये काउंटर आज इसी क्लोजिंग पर रह जाता है देन ये हो सकता है कि हमें 228 का एक सपोर्ट लेना पड़े। 228 के नीचे अगर ये गया तो ये मार्केट से सेल ऑफ होगा या इसका अपना सेल ऑफ नहीं होगा और ये सेल ऑफ इसको जितना मार्केट का सेल ऑफ होगा ये उस लाइन में ही चलेगा और हो सकता है फिर ये 202 रुपए तक की भी रेंज पर जाए। तो आप इसको एक्युमुलेशन के लिए तैयार रहें, कोई भी डिपार्टमेंट हो तो 190 की रेंज में आप इसको बाय करो। ठीक है, वैसे कर सकते हैं टेक्निकली और फंडामेंटली मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन ये उन स्टॉक्स में से एक है जो नजर में तो आता है लेकिन समझ में नहीं आता। कोल इंडिया भी इसी तरीके का रहा है और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं और जो खासकर सरकारी कंपनी इस तरीके की होती है उनमें ये वाली एक समस्या होती ही है और उसका कोई एग्जैक्ट रैशनल निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक अंदाजे से कुछ एक चीजें समझी जाती है कि हाँ शायद इस कारण से ऐसा होता है, लेकिन स्टॉक प्राइस में हमें वो परेशान करते हैं।